जय माता दी। दोस्तों मैं नुपुर गुप्ता रियल्टर्स की साइट से आज आपको लेकर आई हूँ द्वारका सेक्टर 7 ब्रह्मा अपार्टमेंट में, और हम लोग देखने आए हैं 3 BHK का फ्लैट। बहुत ही वेल मेंटेन सोसाइटी है और यहाँ से आप एक ओवरलुक ले सकते हो सोसाइटी का। एंड अभी मैं फिलहाल यहाँ पे लॉबी एरिया में खड़ी हूँ, तो चलते हैं अपने स्टेयर्स से अपने फ्लैट की ओर। और जो हमारा 3 BHK का फ्लैट है ये अभी फिनिशिंग स्टेज पे है, 3 से 4 दिन में ये फुल रेडी हो जाएगा। और एंटर करते ही यहाँ पे आपको मिलती है बालकनी। बालकनी का साइज आप देख सकते हो, अभी काम चल रहा है। एंड यहाँ से जस्ट हमारे राइट साइड पे आता है सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम। एक्सक्लूसिव फर्निश फ्लैट है। और ये आता है हमारा ड्रॉइंग डाइनिंग। ड्रॉइंग डाइनिंग का आप साइज देख सकते हैं। ड्रॉइंग डाइनिंग में वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ी सी विंडो मिल जाती है। सामने आपका टीवी पैनल आ जाता है वुडन पे, एंड ऊपर फॉल सीलिंग का वर्क देख सकते हैं। डिसेंट फॉल सीलिंग का वर्क मिलता है। नीचे आपको टाइल फ्लोरिंग मिलती है और यहाँ पे आपका डाइनिंग का स्पेस आ जाता है। एंड इसी के जस्ट सामने आता है हमारा ह्यूज स्पेस का मॉड्यूलर किचन। यू शेप में हमारा वर्क स्टेशन रहेगा। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इस साइड पे आपको स्पेस दिए गए हैं। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेस है। एंड नीचे वेजिटेबल बास्केट्स आपको यहाँ पे दी जा रही है। साथ ही यहाँ पे आपका पेंट्री एरिया आ जाता है। एंड यहाँ पे आपके ग्रोसरी रखने के लिए स्टोरेज दिए गए हैं। यहाँ पे ड्राई और वेट एरिया का पार्टीशन मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी आपको बड़ी सी विंडो मिल जाती है। नीचे आपको क्रॉकरी रखने के लिए स्पेस दिया जा रहा है। चिमनी आपको मिल रही है और हॉब मिल रही है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 की साइड पे। तो फ्रंट में हमारे 2 बेडरूम आते हैं। चलते हैं अपने राइट साइड पे बेडरूम नंबर 1 में। तो ये जो हमारा बेडरूम है इसका आप साइज देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो भी मिल जाती है और बालकनी भी अटैच मिल जाती है। इसका आप डिसेंट वॉल सीलिंग का वर्क देख सकते हो। सामने आपको 3 बड़ी बड़ी डबल डोर की अलमीरा मिल जाती है। और ये आती है हमारी अटैच बालकनी, इसको आप अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हो। और बाकी यहाँ से आप व्यू भी देख सकते हो सोसाइटी का। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का भी आप साइज देख सकते हैं। अभी काम चल रहा है फिनिशिंग स्टेज पे। यहाँ ये आता है हमारा बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 के साथ भी आपको अटैच बालकनी मिलती है, इसका भी आप साइज देख सकते हैं। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको विंडो भी मिल जाती है। एंड यहाँ पे एक बड़े साइज की डबल डोर अलमीरा आपको मिल जाती है विद सेंसर लाइट्स। और यहीं से दिखा देती हूँ एक बार आपको बालकनी। और ये जो हमारी बालकनी है ये हमारे बेडरूम नंबर 3 से भी कनेक्टेड है। दिखाते हैं आपको बेडरूम नंबर 3 और वहीं से दिखाते हैं आपको बालकनी। ये है हमारा बेडरूम नंबर 3 जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे आपको अटैच बालकनी अटैच वॉशरूम मिलता है, इसका आप साइज देख सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है, एक डबल डोर अलमीरा मिल जाती है, एक सिंगल डोर अलमीरा मिलती है। और यहाँ पे आता है हमारा अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम का भी एक बार मैं आपको साइज दिखा देती हूँ। और अब हम चलते हैं हमारी बालकनी की साइड पे। ये आ जाती है हमारी बालकनी। बालकनी का भी आप साइज देख सकते हो। नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ, किड्स प्ले एरिया मिल जाएगा, पार्क मिल जाएगा, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे कि आपने पूरे फ्लैट का वर्चुअल टूर कर लिया है, तो बात करते हैं नियर बाय एमिनिटीज की। तो स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, मार्केट, मेट्रो स्टेशन, ये सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है यहाँ पर। प्राइस की बात करूँ तो 290 CR का प्राइस है। प्रॉपरली आके अगर आप इसे विजिट करना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं गुप्ता रियल्टर्स पे। द्वारका या द्वारका एक्सप्रेस वे में किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। मैं मिलूंगी ऐसी अमेजिंग ऑप्शंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।